ओके गाइस, तो ये जो वीडियो मैंने अपलोड की थी इसे अपलोड हुए मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए, जिसमें मैंने कंट्रोल कोड बताया था। और अभी से आप लोगों को कंट्रोल कोड नहीं लग रहा है, उसका रीजन यही है कि उस वीडियो को आपने अच्छे से देखा नहीं है। उस वीडियो में मैंने 4 बार अपना कंट्रोल कोड जनरेट किया था, उसके बाद में आपको वो कंट्रोल कोड दिखाया था मैंने। तो जो पहली बार जनरेट किया था, मुझे लग रहा है कई लोगों ने वही कंट्रोल कोड भाई स्क्रीनशॉट लेकर अपने ट्राई किया, बट वो कंट्रोल कोड नहीं लगेगा, जो लास्ट वाला था वो लगेगा। बट चलो, उस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है दोबारा। आपको मैं इसी वीडियो के एंड में बता दूंगा कंट्रोल कोड और सेंसिटिविटी कोड। और मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई हर वीडियो में तुम्हें सेंसिटिविटी कोड और कंट्रोल कोड बताना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आती है उसी चीज की। तो फिलहाल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप सामने वाले एनिमी से 1v1 TDM मैचेस जीत सकते हो, और कुछ टिप्स एंड देने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। देखो, TDM में बहुत सारे कवर्स होते हैं और लोग कवर्स में रह के खेलना पसंद करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप कवर में और सामने वाले बंदे को आप फुटस्टेप भी दे रहे हो ना, तो वो प्रीफायर करके आपको मार सकता है। तो मैं फुटस्टेप छुपाने के लिए क्या करता हूं, मैं बेसिकली इस तरह से जंप करता हूं, और जैसे मैं कवर से बाहर आता हूं, बंदे को तब तक फुटस्टेप नहीं आता क्योंकि मैं हवा में होता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां से जंप किया, जब तक फुटस्टेप नहीं आएगा जब तक मैं उसे दिखूंगा नहीं, या फिर मैं कवर से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे कुछ पता नहीं चलेगा। और वो देखो प्रीफायर करने के लिए बहुत आगे आ रहा था, क्योंकि उसे लगा शायद मैं वहीं पर रुक गया हूं। तो इसी रीजन की वजह से लोगों को फुटस्टेप नहीं आता अगर आप कवर में रह के कवर से बाहर की साइड जंप करते हो। तो वैसे तो 2-3 जगह पे मैं ये जंप वाला सीन ट्राई करता हूं, ताकि सामने वाले बंदे को फुटस्टेप ना आए और मैं जंप करके मार दूं, और वो जगह मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अभी वैसे तो ये चीज़ मैंने अपनी क्लोज रेंज टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस में बताई हुई है, बट इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज़्यादा क्लोज रेंज में हो ना, तो आपको क्राउच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना पास में होते हैं ना क्लोज रेंज में, उतना ही आप क्राउच करोगे और उतना ही आपके जो हेड पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा भी देता हूँ एक एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल के बिना मैं ज़्यादा बात करता नहीं हूँ। तो यहाँ पे सामने भाई बहुत लंबी फाइट चल रही थी, बहुत लंबा सारा प्री फायर चल रहा था। जैसे वो बंदा आता है भाई, मैंने क्राउच किया और उसे 2 हेड पड़े और लिटरली यहाँ पे बंदा फिनिश। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। टिप नंबर 3, लोगों की आदत ये होती है कि जैसे आप पीठ दिखाते हो या फिर पीछे घूमते हो ना, वो पीछे से मार रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप कवर में जा रहे हो तो वो मारने का ट्राई करते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ कि मैं उस जगह होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ। मैं उसी चीज़ को एज अ बेट यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे गोली मारी, ठीक है, अब मैंने नाटक किया कवर में जाने का, बट मैं कवर में जाता नहीं हूँ। मैं एकदम से घूम के दोबारा मारना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि भाई मुझे पता होता है कि जब भी मैं कवर में जाऊँगा वो बंदा पीछे से मुझे मारेगा, तो मैं तुरंत घूम के मारना स्टार्ट कर देता हूँ। और सेम चीज़ मैंने यहाँ पे ऊपर रैंप पर भी करी। देखो, मैं यहाँ पे रैंप पर ऊपर आया, मैंने मारा, ठीक है, और मैं कवर में गया, बट वापस से मैं एज फास्ट एज पॉसिबल यहाँ पे दोबारा पीक दिया, ठीक है। तो ये होता है कि अगर तुम उल्टा मुंह करके कवर में जाते हो, तो सामने वाले बंदे को ऐसा क्लियरली लगता है कि यार चलो ये कवर में जा रहा है, मैं प्री फायर देता हूँ, क्योंकि वही उसके पास मौका होता है प्री फायर देने का। तो इतने में तुम फटाफट से घूम के उसके प्री फायर देने से पहले उसे मार सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, उसके प्री फायर देने से पहले उसे मारना, वरना घूम के तुम सीधा उसके प्री फायर में भी आ सकते हो। सो मेक श्योर कि उसके प्री फायर में तुम मत ही आना। टिप नंबर 4, प्री फायर से याद आया कि तुम खुद कितना प्री फायर दे सकते हो। एटलीस्ट मेरे जितना प्री फायर तुम नहीं दे सकते शायद, क्योंकि मैं तो भाई अपनी पूरी की पूरी गोलियां खत्म कर देता हूँ, चाहे मुझे लास्ट में खुद पे नेड करना पड़े या फिर मुझे पिस्टल से मार के खुद मरना पड़े, डजेंट मैटर। बट मैं जितना चाहता हूँ मैं उतना प्री फायर देता हूँ, और मुझे गोलियों की टेंशन नहीं होती है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो, मैं भाई गोलियां मतलब लिटरली गोलियां तो रोकनी नहीं होती हैं TDM में। अगर आप ये चीज़ करते हो तो भाई गोलियां बचा के आप जीत नहीं सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मुझे एक्चुअली जगह भी पता है कि भाई बंदा कहाँ कहाँ से निकल सकता है, और मैं ऑलरेडी वहाँ पे प्री फायर करता रहता हूँ, और वैसे ही मैंने इसे यहाँ पे प्री फायर करके मार दिया। टिप नंबर 5, अगर सामने वाले एनिमी का स्कोर आपसे ज़्यादा होता है तो आप पैनिक होना स्टार्ट कर देते हो। आपको पैनिक नहीं होना यार, अनलेस अगर आप ये चीज़ देखो कि आपको उसने लास्ट टाइम कैसे मारा था, और उस चीज़ को याद रखो, और दूसरे टाइम आप वो गलती ना करो, तो आप उसे इजीली मार सकते हो। फॉर एग्जांपल कि लास्ट टाइम भी ये सिचुएशन हुई थी, मैंने उसको सामने मारा और वो सामने वाले कंटेनर से अंदर चला गया जहाँ पे मैं अभी फायर कर रहा हूँ, ठीक है, और वो कहाँ से निकला, बीच वाले मतलब कंटेनर के बीच वाले एरिया से। तो इस बार मेरे को पता था कि भाई वो यहीं से आने वाला है, और देखो मैंने विदाउट साउंड उस पर प्री फायर करना स्टार्ट कर दिया गन चेंज करके, और ईजिली वो मेरे ट्रैप में आ गया, क्योंकि मुझे पता थी ये चीज़ कि यार वो यहीं से निकलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम उसने सेम चीज़ की थी। और अगर तुम नहीं मरना चाहते ना, तो तुम भी अपनी मूवमेंट को हर बार चेंज करा करो, हर बार एक ही चीज़ करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा गेम बजने वाला है। अब TDM की टिप्स एंड ट्रिक्स से याद आया कि मैंने ऑलरेडी TDM के ऊपर 2 वीडियोज बना रखी हैं, अगर आप चाहो तो ये दोनों वीडियो जाके देख सकते हो, बिकॉज इनमें मैंने काफ़ी अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है 1v1 करने के लिए। और बीच में आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, तो इसे सब्सक्राइब कर बिना और लाइक कर बिना इस वीडियो को कहीं मत जाना।